गुड मॉर्निंग दोस्तों, सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम 5 जनवरी NTPC का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 जनवरी का जो पूछा गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री का मान निकालना है आपसे, पूछा है एग्ज़ाम में आपसे पूछता है साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो आप जानते होंगे कि साइन साइन 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा आपका कॉस 75 डिग्री, है ना। साइन 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। तो आप साइन 15 डिग्री का निकालिए या 75 डिग्री का, कॉस 75 डिग्री का, बात बराबर होगा। तो इसके लिए आपको एक फिगर याद रखना है, ये फिगर है। अब इस फिगर में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये 15 डिग्री निकालना है, ये वाला, ये एंगल निकालना है, तो आपको √3 ये -1 हो जाएगा और ये √3 +1 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है ये साइन 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका साइन 15 डिग्री का मान में, लंब हो जाएगा √3 -1 बटा टू रूट टू सॉरी। अगर आपसे पूछता कॉस 75 डिग्री का मान, तो सेम हो जाता √3 -1 बटा √2। अगर यही पूछता कॉस 15 डिग्री का मान, तो हम क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार है मेरा ये और बटा कर्ण हो जाता √2। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप इसको इजी से बना सकते हैं, ठीक है। कि n को जब 9 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या n को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो आपका बचता है वो कितना बच रहा है, वो 4 बचता है, ठीक है। जब n को हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर मेरा 4 बचता है। तो बताइए कि 2n से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो जो जब हम 2n से भाग देंगे, जब हम n को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो रिमाइंडर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और जब 8 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर मेरा 8 ही रह जाएगा, इसलिए आंसर मेरा 8 होगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लड़का और 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अब 10 लड़का है, तो 10 लड़का कहने का मतलब क्या हुआ, 10 बॉय 10 बॉय और बोल रहा है, तो जोड़ेंगे 16 मैन, अगर इसी किस काम को करता है तो इस 9 दिन में, ठीक है। इसी के इक्वल में अगर कोई काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, 16 मैन और 4 लड़का, 16 मैन और 4 लड़का 4 बॉय इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो इसको कर रहा है 10 दिन में। आप इसको सोल्व करेंगे तो मैन और बॉय के बीच का रेशियो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप देखिए सोल्व करेंगे, 10 × 9 = 90 बॉय और यहाँ से 10 × 4 = 40 बॉय, 90 में से 40 से घटेगा तो बचेगा 50 बॉय, ठीक है। इसी तरह से 16 × 9 और 16 × 10 करने के बाद आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 44 से और 160, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, रेशियो निकल जाएगा। आपको ऐड करने के बाद आ जाएगा 304 मैन, सोल्व करिएगा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कर रहा है आपको x² + 1/x का मान, x² का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या है दिया है, x² - 4x + 1 = 0, दिख नहीं रहा होगा ना। तो अब क्या कहता है, इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो आ जाएगा x + 1/x = 4। अब पूछ क्या रहा है भाई, जब पूछ रहा है x² + 1/x² मतलब x² + 1/x²
इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके दो घटा देते हैं, तो कर देंगे 4 का स्क्वायर -2 = 14 आंसर। ठीक है, बेसिक तरीका है कि इसको स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग जल्दी बनाने क्या करते हैं, स्क्वायर करके दो घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 10 30 - sin 30, बताइए। बच्चा वाला क्वेश्चन है, 10 30 का मान आप जानते हैं, 37 का मान जानते हैं, 10 30 का क्या वैल्यू होता है, जल्दी से बोलिए। नहीं याद है, 1/√3। 37 का 1/2, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ गया, कर दे 2√3 और ये आ जाएगा आपका 2 - √3, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्स प्लस 1/x = 3 दिया हुआ है, और आपसे फाइंड करने के लिए रहा power 4। तभी हम जस्ट बताए थे कि इसको पहले power 2 के रूप में लिखिए, तो आ जाएगा x² + 1/x². क्या करने बोले थे, 3 का स्क्वायर - 2। बताते हैं, इसको स्क्वायर करके दो घटा दीजिए, 3 का स्क्वायर - 2 = कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फिर से अब क्या करना है, फिर इसका पावर दुगना करना है, मतलब power 4। तो जब power 4 करेंगे तो 7 का स्क्वायर - 2 करेंगे, मतलब 47 आंसर। इजी क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत इजी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचते हैं तो 10% हानि होता है, 10% हानि का मतलब वो 90% में बेच रहा है, तो 90% = 900। ठीक है, तो अगर 10% लाभ कमाना चाहिए इस पर, तो 10% लाभ के लिए यानी 110 में बेचना होगा, 110% में 90 का कटा रख दीजिए, ये 10 आ जाएगा, तो 110 के लिए क्या होगा आंसर, 110 और 0, 11। ठीक है, तो अगर 10% लाभ होगा, उसे कितना में बेचें कि गड़बड़ा रहा है आंसर, एक मिनट, यही आंसर होगा, कितना बेचा जाए, तो 1100 में बेचेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, 10% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ से पी और क्यू को परसेंटेज कटा देंगे, तो आपका ये आ जाएगा पी और क्यू का पहला टर्म, दूसरा टर्म ही आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 2p = 10q आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, आपका क्वेश्चन जो है 10 नंबर कह रहा है, x + 5 जो दिया गया है उसको लिख दे रहे हैं, x + y = 5, xy = 18, और आपसे पूछा क्या है, x³ + y³। अब बताइए x³ + y³ पूछ रहा है, तो x³ + y³ का फॉर्मूला जानना चाहिए, तो होता क्या है, x + y³ - 3xy · x + y, यही होता है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, x + y का वैल्यू दिया हुआ है 5, 5 का क्यूब 125, -3 × xy का मान दिया हुआ 18, इसका मान 5, 18 × 5 = 90, 90 = 27, 270 घटाएंगे तो -145 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, सब इजी क्वेश्चन पूछा है 5 तारीख का। एक और क्वेश्चन लिखा है कि आपसे क्वेश्चन दिया है कि a + b = 10, और क्या लिखा है, a² + b² = 68, और पूछ क्या रहा है, aq + bq,
सेम क्वेश्चन को उसी तरह से बनाएंगे बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जोड़ के आना चाहिए 10, स्क्वायर करके जोड़ कर आना चाहिए 68। तो हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, 8 और 2, 8 2 10, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 4 68 सही है, मतलब 8 का क्यूब और 2 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8, 512 और 8 520। ऐसे भी इजी से बना सकते हैं, पुट करके भी बना सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला लग जो अभी लगाए हैं उसी फॉर्मूला पर बनाइए, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इजी है समझने का है। कहते 4000 रुपये का 2 महीने में 3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। ब्याज की दर तिमाही है, तिमाही मतलब 3 महीने का है। तो क्या करेंगे, माह को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि ईयर को 4 से गुना किया जाता है और परसेंटेज को 4 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कर देते हैं। तो यहाँ से SI निकालना है, तो सीधा सीधा SI निकाल दीजिए। SI बराबर 4000 गुना 8 मंथ, 2 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखना चाहते हैं, इसमें तिमाही तिमाही का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसको डायरेक्ट भी बनाएंगे तो वही बात होगा। ठीक, वो कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं। 2 गुना 3, अब बटर ईयर है तो 12, परसेंटेज है तो 100 करना ही होगा, कटा लीजिए आंसर आ जाएगा 20 रुपया आंसर आ जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा, 20। CI का क्वेश्चन रहता तो हमको करना पड़ता, इसको चेंज करना होता है, रेट को चेंज करना होता है, ईयर को चेंज करना। SI का क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन रहता है वैसे ही रहने दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। हरीश कमला दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में कर सकता है, और दोनों ने 15 दिन तक काम किया, तो दोनों ने मिलकर किया कितना काम, तो 15 काम, तो 15 दिन किया, और कितना काम उसको कैपेसिटी कितना, तो 20 का, तो 15/20 काम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हरीश काम करना बंद कर देता है, तो हरीश चला गया, तो शेष काम को कमला 10 दिन में किया, 10 दिन तक काम किया। कौन कमला, कमला का कैपेसिटी तो हमको नहीं मालूम कितना दिन में करती है, यही पूछ रहा है। तो हरीश अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो कमला का निकाल लेंगे तो हरीश का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कमला का निकल जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यह आ जाएगा 5/20। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 5/20 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, के का वैल्यू आ जाएगा 40 डेज। तो कमला, लेकिन शेष काम को कमला 10 दिन में पूरा किया, तो हरीश कितना दिन में करेगा, तो हरीश के बारे में पूछ रहा है, तब हरीश का निकल दिए क्योंकि दोनों मिलकर काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में, तो निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ से 1/20 - 1/40, वही 40 LCM हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 40 डे। दोनों मिलकर सेम काम करता है, दोनों अकेले अकेले काम करेगा तो 40 दिन में करेगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा हरीश का, ऐसे ही बनाते हैं ना। साइन 45 प्लस से बताइए, और माइनस करने के लिए बोल रहा है कॉस 45 माइनस है। अब इसको चेंज करिए साइन में, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन 90 - 45 - a, और ये चेंज होकर यही हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा साइन, सेम टर्म आ जाएगा साइन 45 + a, और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में जब 90 यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वेश्चन करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल में बजती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है अंतराल में बजने वाला, तो इसका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 का 120। 120 क्या सेकेंड, इसको बोलते हैं 2 मिनट। क्या होगा, 2 मिनट। अब बताइए 2 मिनट में ये एक बार बजेगा, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 30 मिनट में, तो 30 मिनट में ये 15 बार बजेगा, 15 बार। लेकिन आंसर 15 बार होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक बार शुरुआत में भी बजा था, इसलिए आंसर हो जाएगा 16 बार। कितना बार, 16, शुरू में भी तो एक बार बजा था, इसलिए आंसर हो जाएगा 16 बार। ऑप्शन एक में ही 15 दिया रहता है, गड़बड़ हो जाएगा अगर बना दीजिएगा तो। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन करवाएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग को करवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर ये अच्छा लगा है और ऐसे ही हम क्वेश्चन आप लोग के सामने पहुँचाएँ, तो चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, बाय बाय।